फतेहपुर के असोधर थाने के छिछनी गांव में दो बहनों की संदिग्ध मौत की गुत्थी लगातार उलझती ही जा रही है। मामले में यहां परिजन शुरू से ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं एसपी प्रशांत कुमार के बयान ने मामले को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया है। छिछनी गांव के करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तालाब में दो सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं शाम करीब 4 बजे के आसपास दोनों बहनें घर से चने का साग खाने की बात करके गई थीं। काफी देर तक घर न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की तो दोनों के शव एक तालाब में पड़े मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। वहीं परिजन दोनों ही मासूम बच्चियों की हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं और इसके पीछे उनका तर्क है कि दोनों बच्चियों की चारों आंखें किसी नुकीली वस्तु से फोड़ी गई थीं और शव जब तालाब से निकाला गया तो आंखों से खून भी बह रहा था। जबकि फतेहपुर की पुलिस पूरे मामले पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। एसपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चियों की आंख फोड़ी नहीं गई है। एसपी के इस बयान और परिजनों के आरोपों ने पूरे मामले को और भी अधिक उलझा कर रख दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि बच्चियों का शव जिस तालाब में मिला उसमें सिंघाड़ा बोया हुआ था जिसमें कांटे होते हैं, लेकिन चोट के निशान आंख के अलावा शरीर में कहीं पर भी नहीं मिले हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर टिकी हैं। दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम जिला प्रशासन के डॉक्टरों के पैनल से कराने का फैसला किया गया है, जिसके बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। गांव से फोन आया कि का नाम से वो लड़की तालाब में मिली है, तो हम वहां से जब घर आए तो उस लड़की को देखा तो उसके सिर्फ आंख में क्या नाम से चोट है और कहीं चोट हमको नहीं दिख रही थी। तो उसके बाद जो है हमने जब देखा तो तुरंत जो है 112 नंबर डायल किया, उसके बाद प्रशासन बुलाए। जब प्रशासन आए वहां से तो प्रशासन ने क्या नाम से आने के बाद जो है वहाँ देखे, पूछताछ करने के बाद तुरंत बिना घर के इजाज़त के या उनके चाचा का भी नहीं, पूरे गांव के किसी का मन नहीं था, लेकिन जो है वहाँ से क्या नाम से बॉडी लेके चले गए। तो बॉडी लेके यहाँ तक कि पंचनामा भी नहीं बनवाए ना उसमें की साइन किए। तो हमें तो उसमें यही लग रहा है कि जैसे कि अब अगर आंख में चोट है तो सिर्फ आंख में चोट आने का मतलब अगर बूढ़ी होती कैसी तो चोट थी आंख में? आंख में सर ऐसा लगता है कि आंख उसकी फोड़ी गई है। अच्छा, तो आपने देखी डेड बॉडी? जी बॉडी हमने देखी है। अच्छा, कौन सी आंख, किस लड़की की आंख? दोनों लड़कियों की ही आंख, मतलब आंख में चोट है। एक लड़की की होती तो उसमें होता कि चलिए ये हादसा है, लेकिन दोनों लड़कियों का सिर्फ आंख में ही चोट आई और कहीं नहीं चोट है। दोनों आंखों में? जी दोनों आंखों में, दोनों लड़कियों के। अच्छा जी, क्या क्या लगता है आपको? अब हमें तो इसमें यही हत्या की गई है, लग रहा है कि इसकी हत्या ही हुई है। जनपद फतेहपुर के छिछनी गांव में हुई एक घटना के संबंध में यह एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि दोनों बच्चियों की आंखें फोड़ दी गई हैं एवं उनके हाथ बंधे हुए थे। बच्चियों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उनके हाथ बंधे हुए थे एवं या आंखें फोड़ी गई थी। प्रथम दृष्टया यह मामला डूबने से मृत्यु का प्रतीत हो रहा है, परंतु फिर भी सत्य की जानकारी के लिए पैनल द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।